शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मैं देव्या आभा का पाठ करने जा रही हूँ। गुरु जी बुलचुक मेरी माफ़ करना। जय गुरु जी। अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के गुब्बारे में गलत विचारों का ताना बना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं और कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ है, गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है वह हमें वहाँ से निकालने। गुरु परमात्मा है, उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन के उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वे समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मत्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण की करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब हैं। वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, उदारता की बौछार। 1999 में मेरे घुटनों में अब अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरु जी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगा कर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया। उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं जब अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूं और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूं। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रस्थान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बात संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पहले कैसे संस्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरु जी की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरु जी का चरित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राण वायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरु जी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह है कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए अब मैं श्वास यंत्र खरीद करके ले जाती हूँ और वापस घर आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरु जी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरु जी ने यही एक महिला के सिर पर किया और फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वे गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरु जी ने
अपनी पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा, उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं, कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वैशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था, मेरी बेटी का विवाह एक अतिशालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ। गुरुजी की कृपा से वे आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने शुद्ध कई बार उनको स्वयं अपने हाथ खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूर अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूम कर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के चरणों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जपने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम जपो। यदि तीसरे के पास जाओगे तो वह प्रतिदिन पूजा पाठ करने का परामर्श देगा। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए, उनके कही आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बुलचुक माफ़ करना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।